सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट नमस्कार मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज एक बार फिर से मैं अपना सुबह का खास प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आज जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर वैसे गुजरात से भी जुड़ी भी, जुड़ी हुई भी है लेकिन अभी बात करूंगी दूसरी खबर की जिसने पहले ही यानी एक दिसंबर से पहले ही काफ़ी विवाद में घिर गई थी तहलका मचा लिया था इस, इस ख़बर को लेकर और अब जाके इस पर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जी मैं बात कर रही हूँ फिल्म पद्मावती की फिल्म पद्मावती का नाम बदला जा सकता है और पद्मावत किया जा सकता है इसके साथ ही कई और सुझाव दिए गए हैं जनसत्ता के फ्रंट पेज पर पे यह खबर पब्लिश हुई है पद्मावती का नाम पद्मावत करने समेत पांच सुझाव आप देख सकते हैं यहाँ पर बो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बो प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को बिना किसी कट के यूए प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है साथ ही उनसे फिल्म के निर्देशक को इसका नाम बदलकर पद्मावत और चार अन्य नाम अन्य बदलाव करने का भी सुझाव दिया है इस तरह की खबरें थी कि बोर्ड ने फिल्म में छब्बीस कट करने का सुझाव दिया है लेकिन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने एक बयान में स्पष्ट किया स्पष्ट किया कि उन्होंने फिल्म का नाम बदलने समेत पांच बदलाव करने की सलाह दी है ना कि किसी कट के लिए सुझाव दिया है उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने आधिकारिक घोषणा में कुछ बदलाव करने का सुझाव देते हुए इसमें ये जोड़ने के लिए कहा यह फिल्म जौहर प्रथा को जोड़ने जौहर प्रथा का महिमा मंडन नहीं करती है साथ ही फिल्म के गीत में घूमर में चरित्र के अनुकूल कुछ बदलाव करने का भी सुझाव दिया गया है और जोशी ने कहा है फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक प्रस्तावित बदलावों से पूरी तरह से सहमत हैं यानी कि अब फिल्म में कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ होगी एक दिसंबर को यानी कि बीते एक दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ राजस्थान में जो वहाँ पर राज, राजपूत समुदाय है कर्णी सेना है उन्होंने काफ़ी हो हल्ला किया कहा कि पद्मावती के चरित्र से छेड़छाड़ की है संजय लीला भंसाली ने इतिहास से छेड़छाड़ की है उसके बाद से इस पर काफ़ी सियासी तूल पकड़ा कई राजनेताओं ने इसके खिल, इसके खिलाफ़ बयान दिया तो कई लोग सपोर्ट में भी उतरे लेकिन अंत में ये हुआ कि फिल्म की रिलीजिंग को टाल दिया गया और ऐसी खबरें हैं कि अगले साल फरवरी में ये फिल्म अब रिलीज हो सकती है लेकिन इससे कहीं ना कहीं फिल्म को फिल्म को आर्थिक नुकसान पहुँचा था और अब इस फिल्म को लेकर पाँच सुझाव सामने आ गए हैं मेरे साथ सहयोगी राहुल शर्मा हैं मैं राहुल जी की जिस तरह से खबरें आ गई हैं सामने की पद्मावती को लेकर क्या लगता है अब फिल्म रिलीज हो जाएगी जी देखिए संजय लीला भंसाली ने जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतिहास के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया अगर पदमावती की बात कू तो उन्होंने कहा है कि पदमावती को ध्यान में रखते हुए जो है इस फिल्म को बनाया गया है लेकिन इसके बावजूद भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इस फिल्म में जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिक्वल्स हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को कह सकते हैं हाथ पहुंचाते हैं लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही कि दिसंबर के एंड तक जो है फिल्म रिलीज होने की बात हो रही थी लेकिन अब अगले साल की बात की तो कब तक रिलीज होगी इस पर भी अभी संशय बना सबसे हुआ सबसे बड़ी है। बात है कि जब फिल्म पे काफी हो हल्ला मचा था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहले आप फिल्म को देखिए और फिर सवाल खड़ा करिए क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं और आप पहले से हो हल्ला कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं चरित्र से छेड़छाड़ है दुनिया भर की बातें जो इसमें सामने निकल कर आई थी उसके बाद ने कहा था लेकिन उसके बाद अंततः रिजल्ट सामने आया कि फिल्म को रिलीज नहीं किया गया पांच जो शर्तें हैं वो दिखाना चाहूंगी एनपीटी ने पांच शर्तें लिखी हैं कि फिल्म को पदमावती के बजाय पद्मावत नाम से रिलीज किया जाए पहली मंजूरी की पांच शर्तें ये हैं पहली शर्त ये है दूसरी शर्त ये है सती प्रथा को महिमा मंडित ना करने का कर डिस्क्लेमर फिल्म के दौरान दिखाना होगा तीसरी शर्त यह है घूमर गाने में बदलाव कर फिर से पेश करना होगा चौथी शर्त यह है कि ऐतिहासिक स्थलों का गलत या गुमराह करने वाला संदर्भ बदलना होगा और पांचवी शर्त यह है कि फिल्म में बताना होगा कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के पदमावत काव्य पर बनी है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्म को अंडरवर्ल्ड के दबाव में मंजूरी दी जा रही है ऐसा कहना है राजपूत करणी सेना का राजपूत करणी सेना के जो नेता हैं सुखदेव सुखदेव सिंह गो गोंगा मेदी फिल्म में इन बदलावों से संतुष्ट नहीं है उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी भी दी है हालांकि करणी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह व राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने कहा कि कई स्पष्टीकरण अभी आने हैं यानी कि अभी भी फिल्म पर तलवार लटकी हुई है और अब फिल्म अगले साल रिलीज की बात कही तो कही तो जा रही है कि फरवरी में हो जाएगी लेकिन रिलीज होगी या नहीं होगी अब इससे भी शुरू हो गया है फिर से सस्पेंस और एक आज साल का आखिरी दिन है यानी कि इकतीस दिसंबर है आज पद्मावती को लेकर इतनी बड़ी खबर सामने आई है देखना होगा कि अगर फरवरी में रिलीज होने वाली है तो सिर्फ एक महीना समय बाकी है और क्या इन शर्तों को मानते हैं संजय लीला भंसाली और क्या वाकई फिल्म अब रिलीज हो पाएगी फरवरी तक या फिर इसकी रिलीजिंग डेट और आगे टलेगी चलिए अगली खबर है गुजरात से जुड़ी गुजरात में विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है डिप्टी सीएम बने हैं नितिन पटेल फिर से दोनों ही जोड़ियों को अमित शाह और मोदी ने पी मोदी ने बरकरार रखते हुए दोनों को का कार्यभार सौंपा लेकिन कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल को नहीं मंजूर है अपने साथ पार्शियलिटी यानी कि उनकी अस्मिता का सवाल उठा है उन्होंने कहा है खबरों में सामने आया कि तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है उनसे कहा है सरकार से कि हमें हमारा जो विभाग है वो सौंपे नहीं तो वो अपना विधायक लेकर अलग हो जाएंगे ऐस में सबसे बड़ी बात यह कि अचानक से विजय रूपानी नितिन पटेल में ऐसी क्या हो गई अनबन की वहां पर नितिन पटेल ने हल्ला बोल दिया क्या लगता है आपको राहुल जी की से वहां पर अभी सरकार बनी ज्यादा दिन नहीं हुए और नितिन पटेल की नाराजगी सामने आ गई जी देखिए नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया है जहाँ तक की बात कहें और सबसे बड़ी बात है देखिए विजय रूपानी की मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन अब उन्हें बेहतर ढंग से काम करना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह के नतीजे आए थे गुजरात में उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कुछ खास काम नहीं किया है इसी वजह से जनता में कहीं ना कहीं रोष है तो अब ऐसे में अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं विजय रूपानी तो कहीं ना कहीं देखिए अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में जिस तरह से दो फाड़ की स्थिति भी नज़र आ रही है

बार पीएम दोनों पक्षों से बात कर लेंगे तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी वही हार्दिक पटेल ने मौके पर चौका मारा है उन्होंने कहा देख सकते हैं अहम है। मंत्रालय बदले जाने से नाराज उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है पार्टी उन्हें पुराना विभाग वरना उनके लिए सरकार में रहना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के एक एमएलए योगेश पटेल ने भी सरकार में मंत्री न बनाए जाने पर नाराजगी जताई है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने विश्वस्त भूपेंद्र यादव को वहां पर भेजा है नितिन पटेल ने मामले को पटेल अस्मिता से जोड़ दिया है और अपने विधानसभा क्षेत्र महसाणा चले गए हैं जहां वो पटेल नेताओं से संपर्क कर आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं एक पार्टीदार नेता लाल पटेल ने डिप्टी सीएम के समर्थन में एक जनवरी को महसाणा बंद का आह्वान कर दिया है और महसाणा एरिया पटेल कोटा आंदोलन का गढ़ रहा है डिप्टी सीएम नितिन पटेल वित्त और शहरी विकास विभाग नहीं लेने नहीं मिलने से खफा है क्योंकि ये शायद कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी ने खुद अपने पास रखा है या फिर किसी और मंत्री को दे दिया है ये विभाग पिछली सरकार

क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं हालांकि बीजेपी भले ही जीत गई है लेकिन जो निन्यावे सीटों पर वो काबिज़ हुई है वो उसकी जीत कोई जीत नहीं है वहीं अगर कांग्रेस की बात करूँ तो सतहत्तर सीटें जीतकर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि हम हार कर भी बाज, बाजीगर बन गए हैं तो ऐसे में अब देखना होगा कि नितिन पटेल को मनाने में कामयाब होती है अमित शाह पी मोदी की जोड़ी और जहाँ पर उन्होंने भेजा है जिसको वहाँ पर भूपेंद्र यादव को क्या वो वाकई नितिन पटेल को मना पाते हैं और जिस तरह से सरकार बनते ही नितिन पटेल और विजय रूपानी के बीच खटपट चल रही है पाँच साल के सरकार चला पाएंगे दोनों या फिर से पीएम मोदी कोई बड़ा एक्शन लेंगे जैसे आनंदी बेन पटेल की जाए क्या लगता है आपको राहुल जी बिल्कुल देखिए अगर सरकार की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिछले नतीजे जो रिपोर्ट सामने आई थी बीजेपी के खिलाफ की वो कुछ खास नहीं थी और ज़्यादा बहुमत से जो है बीजेपी ने जीत दर्ज हासिल नहीं की थी अगर अब बात की जाए तो देखिए अब जो है भले ही बीजेपी जीत गई है लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां जो है विजय रूपानी के ऊपर बढ़ गई हैं कि वो और बेहतर ढंग से काम करें उन ग्रामीण स्थलों में जाए जहां पर कार्य नहीं हुआ है क्योंकि देखिए अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे उन स्थानों पर नहीं जाएंगे जहाँ से वोट नहीं मिले तो आने वाले समय में आ, कह सकते हैं कि उन्हें और बुरा परिणाम देखने को है। बुरा परिणाम और दिल्ली से जो एक खबर सामने आई है हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर है दिल्ली के होनहार छात्र ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार और दिल्ली विश्वविद्यालय में नए साल पर जश्न के लिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी आप देख सकते हैं दो लाख ,00 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है साल 2016 में एक किलोग्राम पार्टी ड्रग्स पकड़ा गया है और 28 किलोग्राम कोकीन बरामद हुआ है अड़तीस हजार से ज्यादा पैडलर पकड़े गए हैं डीयू के नॉर्थ कैंपस आ, कैंपस का जो क्षेत्र है वहां पर सप्लाई होनी थी और जो छात्र इसमें नाबालिग भी पकड़े गए हैं हिमाचल तक तार चाले हैं ऐसे में सबसे बड़ी बात की जिन युवाओं को हम देश का भविष्य कहते हैं वो ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार हुए हैं वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के होनहार छात्र वाकई बहुत सोचने वाला प्रश्न है कि हम जिन युवाओं जिन छात्राओं की बात करते हैं वो ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार किए जा रहे हैं जी बिल्कुल देखिए अगर ड्यू की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मानी जाने यूनिवर्सिटी है और बहुत बाहर से भी कह सकते हैं कि बाहर स्टेट से भी बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह के यहाँ पे बात देखने को मिली है कि इतने सारे गांजे और कोकीन बरामद की है तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस ने बहुत ही समझदारी का काम किया है अगर ये जो है नशीला पदार्थ युवाओं के शरीर में चला जाता तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी मुंबई से जुड़ी है सात होटल सील कर दिए आप हाँ देख सकते हैं बीएमसी ने मुंबई व उपनगरों में 624 रेस्टोरेंट ढाबों और मॉल का निरीक्षण किया नगर निकाय के करीब 1000 अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्य में हिस्सा लिया बीएमसी एम सी प्रवक्ता राम दो ने बताया कि न सिर्फ मुंबई बल्कि मलाड और मुलुंड सहित दूर दराज के इलाकों में अनाधिकृत होटल और रेस्टोरेंट कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और अभी बीते दिनों मुंबई में कमला मिल्स कंपाउंड में आग लगी थी एक रेस्टोरेंट में आग लगी और लगातार वो आग बढ़ती चली गई वहां पर कई न्यूज चैनल के दफ्तर थे जिनका टेलीकास्ट रोकना पड़ा और कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम लगभग पंद्रह लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसा ये नहीं कि ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी कि वहां पर महाराष्ट्र सरकार है वो थोड़ी सी असंवेदनशील है क्योंकि जमीनी कार्रवाई तो कुछ नजर नहीं आती सिर्फ़ कागजी कार्रवाई होती है और ऐसा नहीं कि पहली घटना थी मुंबई में ऐसी और भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ हालांकि अब कहा जा रहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा लेकिन कब तक ये हो, हो पाएगा फिलहाल ये देखना होगा तो दर्शकों आज के अखबारों की, की सुर्खियों में बस इतना ही कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे नई अखबारों की सुर्खियों को लेकर लेकिन तब तक के लिए नमस्कार